यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन जगदेश कुमार के द्वारा एक छोटे प्रयोग के बाद एक बड़ा डिसीजन लिया जाता है। वह फैसला यह है कि साल 2024 से हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दो सत्र होंगे, पहला पहले की भांति जुलाई अगस्त के महीने से और दूसरा जनवरी फरवरी से। यह सूचना पाते ही विद्यार्थियों के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डीयू, जेएनयू, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान के तमाम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इसका जमकर विरोध किया है। उन्होंने इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। किस प्रोफेसर ने अपने वक्तव्य में क्या कुछ कहा है ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर वो छोटा प्रयोग क्या था। दरअसल साल 2023 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भारत के कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड में दो सत्र में एडमिशन लेने की अनुमति दी थी, जिसमें अमित यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, त्रिशंकर महावीर यूनिवर्सिटी इत्यादि शामिल हैं। इस प्रयोग से सामने निकल करके जो बात आती है वो यह है कि जुलाई अगस्त के महीने में होने वाले एडमिशन में करीबन 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया। वहीं जनवरी फरवरी 2024 में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 4,30,000 थी। इस प्रयोग को सफल मानते हुए यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन जगदीश कुमार ये घोषणा कर देते हैं कि साल 2024 से हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दो सत्र कर दिया जाए। यह फैसला सुनते ही हिंदुस्तान के तमाम प्रोफेसर्स जमकर नाराजगी जताते हैं। और सबसे पहले इस कड़ी में हम नाम लेते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के देवराज मुखर्जी का। उनका कहना है कि ऐसे डिसीजन यूनिवर्सिटीज अथॉरिटी के डिस्कशन के बिना नहीं करनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उन्होंने बताया है कि ऐसा शिक्षा पद्धति अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोप या दूसरे देशों से कर रहे हैं, तो हमें यह सबसे पहले समझना होगा कि अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भारत से अलग है। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम कंपार्टमेंटलाइज्ड है, यानी कि वो बटी हुई है। वहां पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ऐसे में अचानक सा दो सत्र लागू करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और उनका यह भी मानना है कि हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी कॉलेज अभी तक उस हिसाब के, उस ढांचे के, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं बने हुए हैं, उतने प्रोफेसर्स भी नहीं है, उतने स्टाफ भी नहीं है कि हम दो सत्र झेल पाएंगे। आगे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बी मनोहर का कहना है कि एक साल में दो बैचेस को लागू करना कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान के सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, चाहे वो स्टाफ मेंबर्स की बात हो, चाहे हॉस्टल फैसिलिटी की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो, चाहे बाकी सुविधाओं की बात हो, अभी तक सिर्फ एक सत्र की ही व्यवस्था थी। और ऐसे में अचानक सा दो सत्र लागू करना किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज पर अचानक सा बहुत बड़ा वर्डन होगा। और इतने कम समय में कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज इतने आराम से बहुत सारे प्रोफेसर रिक्रूट भी नहीं कर सकती, ना ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना जल्दी खड़ा कर सकता है। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जेएनयू के प्रोफेसर का कहना है कि इससे सत्र में देरी होगी। जेएनयू के कुछ प्रोफेसर का यह मानना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ऑलरेडी बहुत लेट होती रही है और इसके कारण एकेडमिक कैलेंडर में देरी हो जाती है। पहले विश्वविद्यालय ने इसके ऊपर भी नाराजगी जताई है कि हमारा सत्र देरी से चल रहा है। जेएनयू के पीआरओ यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जया कपूर का कहना है कि विश्वविद्यालय के सभी कोर्सेस में कुल मिलाकर के तकरीबन 21,000 सीटें हैं। विगत वर्ष सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में के रिजल्ट में देरी होने के कारण ऑलरेडी सेशन, जुलाई का सेशन दिसंबर में शुरू हुआ था। और ऐसे में अगर हम दो सत्र करवाना शुरू करें तो कितना मुश्किल होगा, वो विश्वविद्यालय के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी और उससे हमारी शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम और खराब होगा, अच्छा कभी नहीं हो सकता। उनका यह भी मानना है कि अगर ऐसा करना है तो पहले से सब कुछ हम बना लेते हैं, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाए, उतनी कैपेसिटी के लिए पहले से प्रोफेसर या स्टाफ हम रिक्रूट कर लें, इसके बाद ये चीजें हम लागू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कहना है, बलविंदर शुक्ला जो कि वाइस चांसलर हैं अमित यूनिवर्सिटी का, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ या प्रोफेसर्स को लेकर के अभी काफी कमी है, इतना जल्दी ये चीज लागू नहीं किया जा सकता। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति
वाइस चांसलर योगेश सिंह का कहना है, हालांकि उन्होंने इसका स्वागत किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि इस सत्र से हम इस चीज को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि साल 2024 में एडमिशन की प्रक्रिया ऑलरेडी प्रोग्रेस में है और इसी एडमिशन की प्रक्रिया के बीच में यह नया नियम लागू करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इसका समर्थन किया है कि पहले से भी हम पीएचडी में एडमिशन जो है वो साल में दो बार लेते रहे हैं, लेकिन इस चीज का प्रयोग हम कुछ एक कोर्सेस में कर सकते हैं, कुछ एक कोर्स या कुछ प्रोग्राम्स में पहले लेके और फिर आगे जैसा जैसा प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम फुल फ्लेज चलाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में कोई भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं चाहिए होती है, बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन यही चीज अगर हम फुल फ्लेज मोड में रेगुलर मोड में करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उससे पहले कि हमें अपने आप को तैयार होना होगा, विश्वविद्यालय को तैयार होना होगा। अब इस चीज को लेकर के या इस फैसले को लेकर के भारत सरकार या शिक्षा मंत्रालय पे क्या असर पड़ेगा, यह भी सोचने का विषय है। दरअसल अभी बजट साल 2024 का अलोकेट हुआ नहीं है, जुलाई के महीने में बजट होना है या बजट जारी होगा, तो इस बजट में भी शिक्षा मंत्रालय को या शिक्षा को बहुत सारा बजट बढ़ाना पड़ेगा ताकि हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर सके या और बड़ा हो सके। उसके साथ ही साथ बहुत सारे स्टाफ और प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, तभी ये जो व्यवस्था है या ये फैसला है दो बार सत्र वाला सुचारू रूप से चल पाएगी। आपका क्या मानना है जरूर हमें इस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक, नमस्कार।